subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो देखो बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात की थी और कैपेसिटर का जो टॉपिक था सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, उसमें हमने क्वांटिटी की थी 1/ωc, उसकी बात करेंगे। तो जो 1/ωc था, xc इज इक्वल टू 1/ωc, ये है हमारा कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट को अपोज करने के लिए, वो होगा उसका कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। अब देखो, इसमें हम एक क्वेश्चन करेंगे, हमने ये पढ़ा हुआ है कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, तो इसका रीजन इसमें हमें यहाँ पता चलेगा, वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, तो देखो ये जो इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू 1/ωc, अब ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2πν(c) लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब जो फ्रीक्वेंसी है, देखो ये जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी तो होती है फिक्स है, जैसे हमारे यहाँ पे 50 हर्ट्ज है इंडिया में, लेकिन अब कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो होती है डीसी की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होगी। अब यहाँ पे अगर जीरो पुट करेंगे तो एक्ससी क्या हो जाएगा हमारा, 1/0, यानी कि क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस ऑफर करेगा डीसी के लिए, तो इसलिए जो कैपेसिटर है डीसी को ब्लॉक करता है। समझ में आ गई ये बात कि जो डीसी की फ्रीक्वेंसी है जीरो है, यहाँ जीरो पुट करेंगे तो जो हमारा एक्ससी है वो इनफाइनाइट आ गया, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ गया कैपेसिटर का, रेजिस्टेंस कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस हमारा इनफाइनाइट आया है, इसलिए ये डीसी को ब्लॉक करता है। समझ में आ गई ये बात। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एलसीआर सर्किट, जिसको इम्पीडेंस ट्रायंगल के नाम से भी टॉपिक आ जाता है। तो देखो अब इसमें इम्पीडेंस क्या होता है, ये अब इस टॉपिक में ही देखेंगे हम। तो जैसे हमने किया था सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली और सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। अब अगर हम इन तीनों कंपोनेंट्स को इकट्ठा लगा दें, जैसे हमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस, एक लगा दिया इंडक्टर और एक लगा दिया हमने कैपेसिटर सीरीज में लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, एलसीआर सर्किट या आरएलसी सर्किट। इसको हमने एसी के सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। तो अब देखो इसमें हमने जो फेज डायग्राम बनाया था अलग अलग का, रेजिस्टेंस का अलग, इंडक्टर का अलग और इसका अलग, अब अगर हम फेज डायग्राम इसका ड्रॉ करें तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो रेजिस्टेंस के केस में जो था, जो EMF थी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ER लिख देते हैं सपोज, जो EMF था रेजिस्टेंस के अक्रॉस EMF, अब इसमें जो करंट था वो सेम फेज में होता है, रेजिस्टेंस के अंदर करंट और EMF सेम फेज में होता है, ठीक है। अब इंडक्टर के अंदर क्या था, जो करंट है EMF को लैग बिहाइंड करता है, और जो कैपेसिटर के अंदर है वो जो करंट है EMF को लीड कर रहा है π/2 एंगल से, ये π/2 एंगल से कर रहा था। तो देखो ये है हमारा EL, इसमें जो करंट है ये इसको EMF को लैग बिहाइंड कर रहा है 90° के एंगल से, और ये हमारा है EC जो करंट है इसको लीड कर रहा है, ठीक है ये बात। अब देखो अगर इस डायग्राम को हम ऐसे बनाए, इस EC को अगर हम ऊपर बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये EC यहाँ नेगेटिव में है, तो अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इसको मैं EL-EC लिख सकती हूँ। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा ER और ये है I, और ये हमारा हो जाएगा EL-EC। क्यों लिखा है इसको ऐसे, ताकि हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं, तो इसका जो नेट इम्पीडेंस निकालना चाह रहे हैं इस LCR सर्किट का, तो इसको इसलिए हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो इसको जब EC को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में था यहाँ पे, तो नेट अगर लिखेंगे तो EL-EC लिखना पड़ेगा, ठीक है ये। अब अगर देखो इसका हम रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट क्या होगा, सपोज इसको हमने E0 से डिनोट कर दिया इसका रिजल्टेंट हमने, ठीक है E0 से डिनोट कर दिया इसका रेजिस्टेंस। तो देखो इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो और यहाँ से ज्वाइन कर दो, तो देखो जितनी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है वही वैल्यू ये होगी, ये भी क्या होगी EL-EC के इक्वल, ठीक है। और सपोज ये हमारी होगी, इसका कुछ नाम रख देते हैं ट्रायंगल का, ये होगी A, B और पॉइंट C,
ये हमारी ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट यहाँ पे जो ई नोट है वो निकालना चाह रहे हैं हम। तो देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ई नोट क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। तो पहले यही लिख लेते हैं, ए बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। तो ए बी क्या है, ई नोट लिखा हुआ है हमने इसको, तो ई नोट स्केयर इज इक्वल टू ए सी कितना है, ई आर स्केयर प्लस, अब ये बी सी कितना है देखो, ई एल माइनस ई सी का होल स्केयर, ठीक है, ई एल माइनस ई सी का होल स्केयर। ई नोट का स्केयर है, हमें ई नोट चाहिए है, तो क्या होगा, अंडर रूट बोथ साइड देना पड़ेगा, ये हो जाएगा ई आर स्केयर प्लस ई एल माइनस ई सी का होल स्केयर। क्लियर है ये बात। तो अब देखो, अब ओम्स लॉ से इसको हम लिख देते हैं, ई आर क्या होगा, आई नोट स्केयर इंटू आर स्केयर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगी ये आई नोट स्केयर इंटू आर स्केयर प्लस ई एल, ये क्या होगा, आई नोट इंटू इंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल माइनस आई नोट कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होता है एक्स सी, और इसका क्या हो जाएगा होल स्केयर। और ई नोट क्या होगा, ई नोट इसको एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पे। तो ठीक है ये इतनी बात। अब देखो आई नोट स्केयर यहाँ भी है और आई नोट यहाँ भी है, जब इसको अगर आई नोट को अगर मैं कॉमन लूँ तो आई नोट का स्केयर कॉमन आएगा, तो आई नोट का स्केयर कॉमन ले लेते हैं, और आई नोट का स्केयर कॉमन लेंगे तो ये अंडर रूट की वजह से क्या हो जाएगा, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा आई नोट, और हमारा अंदर बच जाएगा आर स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्केयर, और ये है ई नोट। अब ई नोट अपॉन आई नोट, इस आई नोट को यहाँ डिवाइड कर दिया तो यहाँ बच गया आर स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्केयर, ठीक है। अब देखो जो ये क्वांटिटी हमारी आई है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और ये मैक्सिमम वैल्यू ई एम एफ, ई अपॉन आई, ये क्या हो गया हमारा इम्पीडेंस, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, जेड से डिनोट करते हैं, ई नोट अपॉन आई नोट। इम्पीडेंस क्या है, जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट है वो है इम्पीडेंस, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आर स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्केयर। तो ये हमारी आ गई इम्पीडेंस की वैल्यू। तो देखो जैसे हमने ये डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम, अब इसी डायग्राम को अगर देखो ऐसे बना दें इस इक्वेशन के बेस पे, इस इक्वेशन के बेस पे हम कैसे बनाते हैं इस डायग्राम को, देखो यहाँ पे देखो, और ये अगर ई एल माइनस ई सी है, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमारी, और देखो ये इक्वेशन, ये सेम है इक्वेशन, अगर कंपेयर करें यहाँ पे इसमें ई एम एफ है और यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस है सारे। तो देखो इस इक्वेशन के लिए जो डायग्राम था उसी की तरह यहाँ पे उसमें क्या था, ई एल माइनस ई सी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स एल माइनस एक्स सी, लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ है रिजल्टेंट, इसका जो रिजल्टेंट है, अब वहाँ पे देखो ये ई नोट है इसमें, और इसमें क्या आया हमारा जेड, तो ये रिजल्टेंट हमारा हो गया जेड। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं, ये क्या होगा, ये एक्स एल माइनस एक्स सी होगा ये भी, और यहाँ पे क्या होगा रेजिस्टेंस आर, और ये भी हमारी क्या होगी ए बी सी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल सेम होगी ऐसे ही। इस एंगल को हम ले लेते हैं फाई, ये हमारा फेज है फाई। तो जो ये ट्रायंगल हमारी बनी है ये होगी हमारी इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्लियर है ये बात, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल होगी। अब इसमें हम टेंजेंट फाई की वैल्यू निकालते हैं, टेंजेंट फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो परपेंडिकुलर है उसमें, इसमें इम्पीडेंस ट्रायंगल में हमारा परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए सी, ट्रायंगल में देख सकते हो। तो जो बी सी है वो है एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन, और ए सी कितना है हमारा आर। अगर फाई निकालना चाहे तो क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स
एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, तो ये हमारा फाई निकल आएगा फेस। ठीक है, क्लियर है इतना? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।